कृषि कानून की वापसी को लेकर संसद में सरकार का प्लान, 29 नवंबर को पेश होगा बिल। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी भरा मेल भेजने वाले शख्स की हुई पहचान, पाकिस्तान से भेजा गया था मेल। दिल्ली में बंद रहेंगे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों के खातों में सरकार डालेगी 5,000 रुपए। नवाब मलिक को हाई कोर्ट से लगा झटका, वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानबाजी पर लगी रोक। दिल्ली मेट्रो की एक और उपलब्धि, पिंक लाइन पर ड्राइवर लेन ट्रेन परिचालन की शुरुआत। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड के क्षेत्र प्रताप नगर टिहरी बांध प्रभावित ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 10 नवंबर से बुराड़ी गणेश चौक पर प्रभावितों की तरफ से धरना किया जा रहा था, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उन्होंने जिला मुख्यालय पर ग्रामीण महिलाओं सहित फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निःशुल्क बिजली पानी की समस्या को दूर किया जाए और ग्रामवासियों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। पर आसपास तो मैडम ने मौखिक रूप से ही किया है, लेकिन अभी हमारा धरना जारी रहेगा। हमने यहाँ पर डीएम महोदय को अपनी समस्याओं से और अपनी जितनी भी हमारी मांगे थी, हमने ज्ञापन डीएम महोदय को सौंप दिया है। और इसमें एक मुख्य मांग ये भी थी कि जब डोबरा चांटी पुल पे पुनर्वास और विस्थापन को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, तो वहाँ पर शासन और प्रशासन के द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, तो जब तक वो मुकदमा दर्ज वापस नहीं होता है, तब तक हम हर हाल में नहीं हटेंगे। हमारे लोलोकोट गांव वाले सब परेशान हैं, और कब से लड़ रहे इस लड़ाई के लिए, और हमारे बच्चे भी बेरोजगार हैं, और हमारी कुछ रोड कुछ डूब जमीन रोड में चले गए और कुछ जेल में चले गए, और हम बहुत परेशान हैं। बहुत साल हो गए यहाँ लड़ते लड़ते, और हमारे बच्चे सब गाँव वाले परेशान हैं। बस 14 दिन से प्रताप नगर रोलाकोट इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, 14 दिन हो गए हैं। ये लोग कई जो छोटी संपत्तियां हैं या जो सारे जो विस्थापन के कई मामले हैं, जो पूर्व में भी इनको आश्वासन मिला था जब डोबरा चांटी पुल पर बैठे थे कि इनको तुरंत इनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन आज ग्रामीण अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सारे मामले वैसे लंबित पड़े हुए हैं, और जो आज आपदा के कारण, वो आपको भी मालूम है, बार बार प्रेस में भी बात आती रही है, सारा बेल्ट को एकदम लूज बेल्ट है, कभी वहाँ बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी आपदा आ सकती है, लेकिन आज ग्रामीण कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो बड़ा अफसोस महसूस करता हूँ। हम बड़े खुश हुए थे पिछले दिनों जब सतपाल महाराज के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण हाई पावर कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से सारी बातें मान ली गई हैं, विस्थापन की, पुनर्वास की, इवन जो हम शहर के लोग लगातार पानी बिजली का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज तक कब वो कार्य रूप में परिणित होगा? अब लगातार चुनाव नज़दीक आ रहा है, आचार संहिता लगने वाली है, फिर वो बहाना हो जाएगा। तो इसलिए आज सारा ग्रामीण हम उनके समर्थन में आए हैं, जो उनके जायज मांगे जब तक पूरी नहीं होती हैं, अभी एक शुरुआत है। जो भी आगे का निर्णय जो इनकी संघर्ष समिति लेगी, जो हमारे ग्रामीण लेंगे, जो हमारी मातृशक्ति लेगी, हम उनके साथ बराबर। पुस्तकें अनमोल होती हैं, उनसे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। इसी उद्देश्य से विकास नगर के वीर केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस पुस्तक मेले में लगभग 25,000 पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पुस्तकें हमारे जीवन की साथी होती हैं, भले ही आज के युग में सब कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो रहा हो, लेकिन पुस्तकों का स्थान कोई नहीं ले सकता। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, और अच्छी पुस्तकें देश और काल की सीमाओं से परे होती हैं। पुस्तक मेलों के आयोजन से विद्यार्थियों में पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत होती है, अध्ययन के प्रति उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और पुस्तकें ये बताती हैं कि हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, कैसी पुस्तकें हमारे जीवन का मार्ग बदल सकती हैं। पुस्तकें सच्ची मित्र होती हैं, और इनके अध्ययन से तत्काल उल्लास और प्रकाश की प्राप्ति होती है। एक बहुत विशाल कलेक्शन इस पुस्तक मेले में देखने को मिला, और उससे छात्रों को बहुत लाभ हुआ जी। छात्रों को चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों को पुस्तक मेले के माध्यम से, जो सामान्यतः
अलग अलग पुस्तक मंगाने में एक्सेस नहीं हो पाता। इन मेलों का लाभ ये होता है कि अंडर वन रूफ एक जगह पर बहुत सारे बहुमूल्य पुस्तकों को एक साथ डिस्प्ले किया जाता है, तो उस वजह से जिज्ञासु छात्रों को, इंक्लूडिंग टीचर्स को, समाज के सभी दूसरे वर्ग के लोगों को भी जिनकी पढ़ने लिखने में रुचि रहती है, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेरित। चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ के वीसी दरवान सिंह नेगी के पैतृक गांव कफार तीर में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि शौर्य महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति और पुरस्कार वितरण के साथ शानदार समापन हो गया है। शौर्य महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन चौपता बेथरा लोदला की महिलाओं ने शानदार अभिनव किया। आपको बता दें कि नंदा देवी राजजात की झांकी निकालकर महोत्सव को नंदमय बना दिया गया। इसी के साथ पांडाल में सभी पुरुष महिला डांस करने लगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सिलसिले में चौपता की महिलाओं ने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। वही विकास खंड के नरेंद्र नगर के पट्टी क्वीली की न्याय पंचायत मड़गांव के 11 गांव में गढ़वाल लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई है और तीसरे साल में इन गांव में गढ़वाली लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। लेकिन इन सभी लोक नृत्यों में सबसे ज्यादा खास पांडव नृत्य माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने केदार भूमि में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर वहां केदारनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का निर्माण किया। वहीं कई सालों से कड़ाके की ठंड के बावजूद रात्रि के पांडव नृत्य देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी उमड़ती है। खास बात यह है कि पांडव नृत्य देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। कार्यक्रम आज यहाँ पर विधिवत रूप से समाप्त हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम अगली बार भव्य रूप से यहाँ पे हो और हम सब लोग और आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे रीति रिवाज है, जो पौराणिक परंपराएं हैं, उनको बरकरार रखेंगे और इस कार्यक्रम अगली बार भव्य रूप से सबका सहयोग देंगे। गढ़वाल में लोक नृत्यों का खजाना बिखरा पड़ा है। इन्हीं में से जो खास लोक नृत्यों का खजाना माना जाता है वो है पांडव लोक नृत्य। पांडव लोक नृत्य यहाँ खास करके नवंबर से लेकर के और फरवरी तक जगह जगह पांडव नृत्य किया जाता है। और एक हम आपको बता दें कि विकासखंड नंदनगर के बमण गांव में 9 दिनों तक ये पांडव लोक नृत्य चला है और बहु बेटियाँ दूर दूर से तमाम दूसरे राज्यों से जो है इस लोक नृत्य को श्रवण करने के लिए, मंडाण को देखने के लिए आते हैं और माँ कुंती का आशीर्वाद लेकर के अपने को धन्य मानते हैं। और वहाँ पर जो भीड़ लगती है रात्रि को, ये कार्यक्रम होता है लोक मंडाण का, लोक नृत्य का, तरह तरह से हर जगह से लोग वहाँ पर आते हैं और लगता है कि एक आस्था, विश्वास और श्रद्धा का एक ऐसा केंद्र जिसमें आस्था का जुनून लोगों में झलकता है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गई है। इसको लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है। ये बैठक 24 नवंबर को देर रात तक चली और आज एक बार फिर से बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हमारे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और उनके साथ दोनों सह प्रभारी आरपी सिंह और लॉकेट चटर्जी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस बैठक में शामिल हुए। कहा कि हमारे 70 विधानसभाओं में 70 जो हमारी एक सुझाव पेटी का है वो रखी जाएंगी। सप्ताह भर तक वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम नागरिक उसमें सुझाव हम लोगों को देंगे और उन सब सुझाव को इकट्ठा करके घोषणा पत्र जो समिति बनी है वो हमें देगी और हम पार्टी में घोषणा पत्र को। कांग्रेस पार्टी द्वारा चंपावत विधानसभा में बूथ कमेटी अध्यक्षों का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें दिल्ली से आए AICC प्रशिक्षक कुलदीप कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में 151 बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया गया। वही कार्यक्रम में चुनावी रणनीति को कैसे बनाया जाए, बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, साथ ही जनता के बीच अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई।
एनसीसी के संदेश पर मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत एनसीसी के ट्रेनर दिल्ली के माध्यम से यहाँ आए हैं और हमारे पूरे 151 बूथ से जो हमारे बूथ एजेंट हैं वो मौजूद हैं और किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से बूथों को संभाला जाए, किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए, ये सब जो हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं वहाँ उनको उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथों पर जिता सकें और अपने बूथ को अपना गौरव बना सकें। वही भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दो दिनी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देहरादून में चुनाव प्रबंधन समितियों के साथ बैठक कर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की और चुनावी रोडमैप पर मंथन किया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के साथ ही पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया। चुनावी एजेंडा, मुख्य मुद्दों पर चर्चा समेत बैठक पूरी तरह से चुनाव प्रबंधन पर ही केंद्रित रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, आरपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, महामंत्री संगठन अजय शामिल हुए। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हुई है। आपको बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश सह प्रभारी राजेश धर्माणी, सह प्रभारी दीपिका पांडे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह शामिल हुए। पार्टी की आगामी रणनीति और टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर बैठक में चर्चा की गई। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रदेश मुख्यालय में यह पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी। इसके साथ ही कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत हासिल करने और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय की गई है। देखिए, आज की प्राथमिक बैठक का उद्देश्य यही था कि किन आधार पर, क्योंकि ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दिनों से मैं समझता हूँ 6 महीनों से ऑलरेडी विभिन्न सर्वे के माध्यम से वहाँ के इश्यूज, वहाँ के संबंधित उम्मीदवार, प्रोबेबल उम्मीदवार, यहाँ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक इश्यूज, हर विषयों के ऊपर में गंभीरता के साथ में अध्ययन पहले से। वही हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी महोत्सव 25 नवंबर से आगामी 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। महोत्सव का मुख्य आकर्षण लंदन ब्रिज रहेगा। बता दें कि हल्द्वानी में कोरोना काल में किसी भी प्रकार का महोत्सव आयोजित नहीं किया गया था, तो वहीं कोरोना काल के बाद हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में हल्द्वानी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार महोत्सव के मुख्य आकर्षण के रूप में मेला संचालकों के द्वारा ग्राहकों की खरीदारी को देखते हुए ओपन मार्केट की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की प्रदर्शनियां भी आयोजित होंगी। वहीं मूलदासपुर विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम मुरादपुर में पानी की निकासी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की इस समस्या को लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि या विधायक की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं और ग्रामीणों का कहना है कि जैसे जैसे बरसात आती है ग्रामीणों की समस्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है। गांव के रास्ते में करीब 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे निकलना ग्रामीणों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। ऋषिकेश के टिहरी पुलिस ने ढालवाला पुलिस चौकी के पास से एसओजी कार्यालय में दर्जनों लोगों के खोए हुए मोबाइल लौटाए हैं। आपको बता दें कि खोए हुए मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरे खिलखिला उठे। वही जानकारी देते हुए एसएसपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि जनपद टिहरी में 35 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल की एसओजी टीम के द्वारा मोबाइल सर्वेलेंस के माध्यम से कुल 35 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 4,75,000 रुपये। इन सभी लोगों को हमारे द्वारा आज जनपद टिहरी गढ़वाल में ढालवाला में बुला के इनके मोबाइल फ़ोन के सुपुर्द किए गए। काफ़ी इनमें से नए एकदम ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन्स भी थे, जिसमें जनता के द्वारा काफ़ी हार्दिक आभार
टिहरी पुलिस का व्यक्त किया गया है। इसमें एक गैंग के होने की भी संभावना है जिसपे वर्कआउट किया जा रहा है। इसमें से अधिकतर फोन आगे बेच दिए गए थे, जिसमें जो डायरेक्ट चोर है वो गिरफ्तार नहीं हुए, परंतु फोन जिस व्यक्ति के पास था उसने सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड खरीदा था, तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं हो पाई। फिलहाल हमने फोनों को सुपुर्द करने का प्रयास किया है और जिसमें अग्रिम कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। मेरा मोबाइल सर फरवरी माह में 2020 फरवरी में खोया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कराई थी इसकी, और पुलिस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि उन्होंने काफ़ी मोबाइल आज दिए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है और बड़ी दिक्कत हो रही थी बिना मोबाइल के कई महीने तक। उसके बाद हमें आशा थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस टीम ने पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे। अल्मोड़ा में ड्रग्स तस्करी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने अल्मोड़ा जेल में रेड डाली, जिसमें कैदियों के पास से मोबाइल, एयरफोन और 24,000 नकदी को भी बरामद किया गया है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। जेल के कैदियों तक मोबाइल, नकदी और अन्य प्रतिबंधित सामान किसने पहुंचाया, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जेल में बंद कैदी महिपाल सिंह और अंकित बिष्ट के खिलाफ मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले में कई और संदिग्ध लोग पुलिस के निशाने पर है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ट्राइब टीवी के साथ। नमस्कार।